इग्नू के इंटर्नशिप के लिए हम लोग कॉलेज कैसे ढूंढें उसके लिए हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल मैप, जैसे मैं और गूगल मैप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है, सर्च बॉक्स में जाकर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नियर टू जो आपकी सिटी हो, जैसे बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, ये भोपाल हो गया, जो भी आपका सिटी होगा आपने उसको सर्च किया, नियर टू बेंगलुरु आपने सर्च किया इस तरह से। अब इस तरह से आपने देखा, ये देखिए एक यूनिवर्सिटी आ गया, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एक फाउंडेशन स्कूल हो गया, एक जैन कुछ यूनिवर्सिटी करके आ गया, एक विजय पीवी इवनिंग कॉलेज हो गया, क्राइस्ट कॉलेज हो गया। तो इन सब कॉलेजेस में आपने इसका पूरा लिस्ट बना लिया, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इनके लाइब्रेरीज में जा कर के विजिट करना होगा और मिलना होगा आपके उन यहाँ के जो लाइब्रेरियन होंगे इनसे आपको मिलना होगा, इन लाइब्रेरियन से आपको पूछना होगा कि क्या ये इग्नू में आप पढ़ रहे हैं और आपको इंटर्नशिप करना है 1 मंथ के लिए, ओनली 1 मंथ का आपको करना होगा, और 1 मंथ के लिए अलाउ करेंगे। तो अगर ये मान जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये जो इंटर्नशिप करना है उसके लिए आप इस तरह से लेटर ला करके दिखा सकते हो। तो इग्नू इस तरह से आपको लेटर देता है, तो ये लेटर अगर मान्य हो तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉलेज ढूंढ सकते हो, गूगल पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो। और कॉलेज आपको कैसा ढूंढना है, जहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी हो किसी भी लाइब्रेरी में, और 40-50 हज़ार बुक्स हों, इसमें 5 हज़ार डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं लेकिन बुक्स ज़्यादा रहेंगे तो आप ज़्यादा कुछ सीख पाओगे। तो इस तरीके से RFID टेक्नोलॉजी हो, और वहाँ पे लिप्सिस कोहा ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम होता हो, मैनुअल ज़्यादा ना हो, अदरवाइज आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। तो ऐसी लाइब्रेरीज आपको ढूंढनी होगी, और जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं वो लाइब्रेरीज बेस्ट होती हैं, वैसे भी कई बेस्ट लाइब्रेरीज होती हैं, आप उसको सर्च कर सकते हो। और जैसे आप इस तरह से सर्च कर सकते हो बेस्ट लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज इन इन दिल्ली, इन दिल्ली ऐसे आपने सर्च कर लिया, मान लो दिल्ली का आपने सर्च किया, तो ये सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी का आ गया इसमें, आप देख सकते हो। और भी कई लाइब्रेरी का आया, यहाँ निम्बस लाइब्रेरी हो गया, ये पाथ फाउंडर, ये कुछ स्टडी वाले लाइब्रेरीज को दिखा रहे हैं, और इन कोलकाता आप सर्च करो, तो ऐसे आप बेस्ट लाइब्रेरीज भी आप सर्च कर सकते हो। अमेरिकन लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है ये, और गुड टाइम रीडिंग, कुछ लोग कुछ इसमें लाइब्रेरीज हैं जिसमें वो रीडिंग होती है, तो रीडिंग वाले लाइब्रेरी में नहीं जाना, जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं जाकर के, वो स्टडी रूम्स होते हैं तो उन्हें भी ये लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। बट पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह हो गया, वहाँ पे आपको करना है जहाँ पे 5 हज़ार से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों। तो इस तरीके से आप लाइब्रेरीज या कॉलेजेस सर्च कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, तो वहाँ पे आप सर्च करके लिस्ट बना करके पूरे विजिट करके लाइब्रेरियन से बात करके आप उसको बना सकते हैं। और इस तरीके से RFID टेक्नोलॉजी वगैरह हो उसको आपको ज़रूर ही देखना है इसके बारे में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और किस तरीके से लेटर मिलेगा कॉलेज इंटर्नशिप का, और इंटर्नशिप का वर्कबुक कैसा बनाना होगा, अन्य वीडियोस में मैंने बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।